नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल लड़के गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार डेट स्टार्टर की वायरिंग के बारे में जानेंगे। स्टार डेट स्टार्टर की जो वायरिंग होती है वो डिफरेंट जो टाइमर रहता है उसके अनुसार से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने टाइमर यूज़ किया है उसमें आपका स्टार और डेल्टा दोनों के लिए अलग अलग कॉमन पॉइंट दिया गया है, ठीक है। और इससे पहले मैंने एक और स्टार डेट स्टार्टर वायरिंग बनाया था, कंट्रोल ड्राइंग बनाया था, उसमें आपका एक ही कॉमन था और स्टार और डेटा का एक अलग अलग पॉइंट निकला हुआ था, ठीक है। तो चलिए इसका वायरिंग कैसे होते हैं उसको देख। तो कंट्रोल एमसीबी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कंट्रोल एमसीबी में एक सिंगल पोल एमसीबी दिया है 6 एम्पियर का, ठीक है। उसके बाद सप्लाई को ऑल ओवर डिले में दिया है। ऑल ओवर डिले से जो सप्लाई निकलता है उसको स्टॉप पुश बटन में दिया है। स्टॉप पुश बटन से जो सप्लाई निकलता है वो एलसीएस स्टॉप बटन के लिए अलग से मैंने यहाँ पर टीवी दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों टीवी के बीच में अगर आप स्टॉप बटन चाहे तो लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगाना है तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको लूप कर देंगे। देन मैंने स्टार्ट का पुश बटन दिया यहाँ पे, और एलसीएस स्टार्ट के लिए अलग से मैंने यहाँ पे और टीवी दिया हुआ है। तो एक चीज़ याद रखना कि स्टार्ट पुश बटन जो रहता है वो हमेशा पैरेलल में दिया जाता है, और स्टॉप पुश बटन को हमेशा सीरीज में दिया जाता है। आप जितने चाहे उतने स्टॉप पुश बटन यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक स्टार्टर को आप एक नहीं 10 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही एक नहीं 10 जगह से आप उसको ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं। तो आपको करना क्या रहेगा, आपको अगर स्टॉप पुश बटन लगाना है तो आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा, और स्टार्ट पुश बटन लगाना है देन आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, स्टार्ट पुश बटन से जो सप्लाई निकला उसको मैंने जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसके एनसी में दिया, और डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी से जो सप्लाई निकला उसको मैंने मेन कॉन्टेक्टर और जो टाइमर है उसके एनसी में दिया है, ठीक है। वहाँ से जो कॉमन निकला उस सप्लाई को मैं स्टार कॉन्टेक्टर के कॉइल में दिया है। तो जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो सबसे पहले मेरा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, स्टार कॉन्टेक्टर एनालाइज हो। मैं जैसे ही मेरे स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो देखिए यहाँ पे स्टार का मैंने एनओ यूज़ किया है, तो सप्लाई आगे बढ़ेगा और मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है कि जब ही जैसे ही आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं आपका पहले स्टार बैठता है, देन आपका मेन कॉन्टेक्टर बैठता है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मेन कॉन्टेक्टर के हमने ऐसे पे होल्डिंग दिया हुआ है। तो यहाँ से मेन कॉन्टेक्टर ये जो सप्लाई है ये भी एनओ हो जाता है, ये एनओ है, इसके बैठने से ये वाला एनसी बन गया। और जैसे ही ये बैठता है यहाँ से मेन कॉन्टेक्टर होल्डिंग होकर ये वाला सप्लाई कंटिन्यू चलता रहता है। मतलब मेरा मेन और स्टार जो है में कंटिन्यू सप्लाई चलता रहता है। जैसे ही आपका मेन ऑपरेट होगा तो ये मेन से एनसी मिल जाएगा, बट हमको टाइमर के एनओ मिल जाएगा, बट टाइमर के एनसी से ये कैसे रहेगा, ऑपरेट होगा, ठीक है। कुछ समय बाद, कुछ सेकेंड बाद जो आप टाइम सेट करेंगे उसके बाद में क्या होगा, चूँकि टाइमर में सप्लाई आ रहा है, कुछ समय बाद ये हमारा जो टाइमर का एनओ एनसी है वो एनओ बन जाएगा, और जो एनओ है वो एनसी बन जाएगा। तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो मेरा स्टार कॉन्टेक्टर है वो आपका ऑपरेट होना बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइमर यहाँ पे एनओ बन जाएगा। और आपका मेन कॉन्टेक्टर तो ऑलरेडी एनओ बन चुका है क्योंकि एम बैठा हुआ है, मेन कॉन्टेक्टर बैठा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ से ये जो एनओ दिखा रहा था वो एनसी बन जाएगा, और स्टार कॉन्टेक्टर को मुझको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एनसी मिल जाएगा, फिर आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला जो सेक्शन है ये कंटिन्यू आपका काम करता रहेगा, और आपका स्टार कॉन्टेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डीएनएलाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक स्टार डेटा स्टार्टर की वायरिंग करते हैं जिसमें दो कॉमन दे रहते हैं। दो कॉमन कैसे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे टाइमर एक हम मैंने टाइमर के एनो लिया है, तो ये वाला सप्लाई अलग हो रहा है, तो ये वाला सप्लाई और ये जो सेकेंड पॉइंट है, तो इस टाइमर के लिए ये वाला पॉइंट मेरा कॉमन हो रहा है। और दूसरे टाइमर को देखते हैं, टाइमर के दूसरे पॉइंट को देखते हैं एनसी वाला, तो इसके लिए अलग से पॉइंट आ रहा है, ये दोनों सप्लाई अलग अलग हो रहा है ना, ये कॉमन नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आपको दो वहाँ पे पॉइंट मिलेगा, आपको स्टार के लिए अलग कॉमन मिलेगा, वैसे डेल्टा के लिए आपको अलग कॉमन मिलेगा, तभी ये वायरिंग जो है उसके लिए बना हुआ है, ठीक है। आगे ट्रिपिंग की बात करते हैं, तो ट्रिपिंग में क्या हो रहा है, ऑन इंडिकेशन के लिए हम लोग डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनओ को यूज़ करते हैं। डेल्टा कॉन्टेक्टर जैसे ही आपका ऑपरेट होगा बैठेगा, ये आपको ऑन कंडीशन जाने लगेगा। ऑफ़ के लिए क्या करते हैं, आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर का जो एनसी है उसको यूज़ करते हैं, है ना। डेल्टा कॉन्टेक्टर जब तक नहीं बैठा रहेगा तब तक ऑफ दिखता रहेगा। और ट्रिप के लिए क्या करेंगे, ट्रिप के लिए आपको ऑल ओवर डिले में अलग से पॉइंट मिलता है, यहाँ से आप सप्लाई लेंगे और आपको ट्रिप के जो इंडिकेशन है उसमें डायरेक्ट आप सप्लाई दे देंगे। कुछ सिंबल की बात कर लेते हैं, एमसीबी का सिंबल मैंने ऐसे बना के रखा है, ये ऑल ओवर डिले का है, आपका एनओ का पॉइंट ऐसा है, एनसी का पॉइंट ऐसा हमने दिए हैं, इसके अलावा इंडिकेटर ये दिखा रहा है, टाइमर का पॉइंट ऐसा है, और कॉइल को हमने ऐसे बना के रखा हुआ है, ठीक है। एलसीएस स्टॉप का देख लेते हैं, यहाँ पर हमने कुछ टीवी दिए हैं, एलसीएस स्टॉप 104 105 जो कि टीवी नंबर 1 N2 है, 1 N2 आपका देखिए एलसीएस स्टॉप का है, और 105 एंड 106 ये क्या था हमारा एलसीएस स्टार्ट का है, ठीक है। फ्रेंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ साथ मेरे चैनल
ये लिटिकस गाइड को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।